प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन है, मसीह एक विश्वासी पाप में कैसे पड़ जाता है, पाप से निकलने के बाद, पाप से आजाद होने के बाद आप फिर पाप में कब पड़ जाते हैं, जब आप अविश्वास करते हैं, जब आप संदेह करते हैं। अगर आप यीशु मसीह पर संदेह करते हैं तो आप पाप करते हैं। परमेश्वर का सामर्थ जो कि 2020 साल से यीशु मसीह के नाम से बह रहा है, अलौकिक आशीषें आपके जीवन में बहने के लिए परमेश्वर ने उस वचन को धरती पर लाया है। वो प्रोमिसेस आपके लिए हैं, वो आशीषें आपके लिए हैं, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन में काम क्यों नहीं कर रही हैं? कई ऐसे मसीह हैं, और मैं समझता हूं बहुत 85% लोग ऐसे मसीह हैं जिनके जीवन में प्रभु का आशीष काम नहीं कर रहा है। कईयों के जीवन में काम कर रहा है, बहुतों के जीवन में काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि उनके जीवन का आधार संदेह है। आप जहां रहते हैं वहां संदेह है। आप किन आत्माओं के बीच में रहते हैं? आपके घर में वातावरण क्या है? अगर आपके घर में वातावरण संदेह का है तो आप उस आशीष को नहीं प्राप्त कर सकते जो परमेश्वर ने आपके लिए दी है। अगर आप नौकरी करते हैं और आपका जो वातावरण है वह संदेह का है तो आप गलत संगति में जा सकते हैं। इसलिए लिखा हुआ पहला कुरिन्थियों 15:33 कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को भ्रष्ट कर देती है। आप भले ही कहें कि नहीं साहब, मैं तो मसीह हूं, मैं तो चर्च जाता हूं, मैं तो चर्च जाता हूं। मैं अभी आपको बताऊं, मैं मॉर्निंग में बैडमिंटन खेलता हूं, तो हमारे बैडमिंटन का ग्रुप है एक, और वो बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं कि भाई हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, बैठते हैं, बैठते हैं, बैठते हैं। तो मुझे कई बार उन्होंने कहा, और वो लोग ड्रिंक करते हैं, तो मुझे कहा पास्टर आप प्लीज़, मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, एक तो मैं ड्रिंक नहीं करता हूँ। कहता आप मत करिए, आप बैठिए हमारे संग, हम अच्छे होटल में बैठेंगे। मैंने कहा मैं अगर आपके संग बैठा हूँ और कोई मेरे कलीसिया का भाई बहन वहाँ से निकले और मुझे देखे कि मैं आपके साथ बैठा हूं और आप लोग ड्रिंक कर रहे हैं, तो उसके मन पे क्या बीतेगी? गलत सोच सकता है ना वो मेरे बारे में। तो मुझे वो काम क्यों करना है? मुझे ऐसा काम क्यों करना है? मुझे उस संगति में बैठना क्यों है? जो मैं अगर किसी के लिए ठोकर का कारण बनूं तो मुझे वो काम क्यों करना है? मुझे वो सुख नहीं चाहिए जिसकी वजह से मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बनूं? नहीं, प्रेज द लॉर्ड। आप किस वातावरण में रह रहे हैं? आप मत समझिए कि मैं स्विच ऑन करूंगा और पवित्र हो जाऊंगा। नहीं, आप अगर गलत वातावरण में रह रहे हैं, अगर आप संदेह के वातावरण में रह रहे हैं, तो आप ये जान लीजिए कि जो संदेह की चीजें हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो आपके अंदर आएंगी, आएंगी। प्रेज द लॉर्ड। और आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा? वो अंधकार की शक्तियां आपको पीछे लेके जाएंगी, आपके विश्वास को कमजोर कर देंगी। आप वचन में त्रुटियां देखेंगे, आप संदेह करेंगे परमेश्वर के सामर्थ पर। प्रेज द लॉर्ड। हमारी संगति हमारी आशीषों को, परमेश्वर की आशीषों को हम तक पहुंचने में सहायक भी है और विरुद्ध भी है। याद रखिएगा, मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, मरकुस 8:22-26 के बीच में, देखिए यीशु मसीह एक बैतसैदा के शहर में जाते हैं। बैतसैदा आपने नाम सुना होगा, जहां पर 5,000 लोगों को
परमेश्वर ने रोटी खिलाई थी, यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी, वो जगह है बैतसैदा। तो बैतसैदा में यीशु मसीह जाते हैं, और देखिए आपको उस दृष्टांत से मैं आपको बताऊंगा कि संगति का क्या बुरा असर होता है। पढ़िए बेटा, वे बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वो उस अंधे को हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रख के और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्य को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रख के और अंधे ने ध्यान से देखा, वो चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा, और उसे ये कहकर घर भेजा, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। इस गांव के भीतर पाँव भी मत रखना। आमीन। क्या कह रहा है यहाँ पर यीशु मसीह? देखिए, ये पहली बार है जब यीशु मसीह ने एक आदमी को चंगा करने के लिए उसको उसके गांव से बाहर ले गया। वो प्रेस अलॉट क्यों ले गया? क्योंकि वो जो गांव था वो अविश्वासियों का गांव था, वहां पर विश्वास नहीं था, वह संदेह था। यीशु मसीह ने जहां जहां बाइबल में चंगाई दी है, चमत्कार किया है, उसने क्या किया है कि तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह हमेशा कहा है कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। वो गांव से बाहर लेकर आया, और पहली बार देखिए वो क्या कहता है, वो अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों पर थूका और उस पर अपना हाथ रखकर उससे पूछा, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? हेलो, आमीन। इससे पहला, क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? क्या कभी यीशु मसीह ने ऐसा कहा है? आपको याद है जब बर्तिमाई वो जो अंधा आया था और उसने कहा था, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर, मुझे आशीष दे, मेरी आंखों को खोल, और यीशु मसीह ने कहा देख, और वो देखने लगा था। आमीन। यहां पर ऐसा क्या हुआ कि यीशु मसीह कहता है कि क्या तुझे कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि यीशु मसीह जानता है कि वो किस परिस्थिति में है। मेरा प्रार्थना करना आपको चंगा नहीं करता है, आपका विश्वास के संग प्रार्थना लेना आपको चंगा करता है। आपका विश्वास के संग कलीसिया में आना आपको चंगा करता है। आपका विश्वास के संग बाइबल को पढ़ना आपको आशीष देता है। मैं यहां पर कितना विश्वास के संग चीख चीख कर परमेश्वर का संदेश पहुंचाऊं, अगर आप विश्वास के संग उसे ग्रहण नहीं करेंगे, वो संदेश आपके जीवन में काम नहीं करेगा, नहीं करेगा। बहुत से बड़े बड़े लोग जो शुरू शुरू में बहुत इशू 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 कहते हैं और कुछ दिनों के बाद पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वचन अंदर नहीं जा रहा है, वचन आप में जीवित नहीं हो रहा है। अंतिम समय है, याद रखिए, घमंड मत करिए। कब परमेश्वर का सामर्थ, क्योंकि आपकी कमजोरी की वजह से, आपके अविश्वास की वजह से आपसे दूर हो जाएगा और शैतान उसकी जगह ले लेगा। शैतान हारा हुआ है, शैतान की कोई शक्ति नहीं है, लेकिन आप शैतान को कमजोर मत समझिए, क्योंकि आप कमजोर हैं। आप कमजोर, आप शैतान को कमजोर समझते हैं और आप समझते हैं कि मैं मजबूत हूं, गलत समझते हैं। पतरस भी समझता था अपने आप को बहुत मजबूत कि मैं यीशु मसीह का सबसे चाहने वाला हूं, मैं पतरस हूं। यीशु मसीह ने कहा है कि तेरे विश्वास पर मैं कलीसिया बनाऊंगा, यीशु मसीह मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा चाहे मैं मर जाऊं। और दूसरे पहल कहता है मैं इसको नहीं जानता। आप नहीं जानते अपने आप को, आप नहीं जानते कि आप कितने कमजोर हैं,
जब परीक्षा आएगी ना तब पता चलेगा कि आप कौन है। अभी तो जेब में पैसा है ना, पेट में खाना है ना। जिस दिन पेट में भूख होगी, जिस दिन परीक्षाएं आपके सामने होंगी, आजमाइश सामने होंगी, यहां से बहुत लोग इनकार करेंगे यीशु मसीह का। आप नहीं समझते हैं, पतरस जैसा इंसान, सब चेले भाग गए। लोग समझते कि अरे काश हम उस समय होते, काश हम उस समय होते जब पतरस वगैरह थे, हम यीशु मसीह के साथ चलते, तो हम दिखाते कि हम कितने मजबूत हैं। मैं आपको बता दूं, आज आपकी दशा बहुत अच्छी है। क्योंकि आज आपके पास पवित्र आत्मा है। पतरस के पास पवित्र आत्मा नहीं थी उस समय, और जब पवित्र आत्मा मिली तो पतरस ने अपनी जान गंवाने में सेकंड नहीं लगाया, वो परमेश्वर की महिमा करते करते मर गया। ये हमारे लिए उदाहरण है, हम किस जीवन की ओर जा रहे हैं, वो जीवन जो संसार की ओर से हमें मिल रहा है या प्रभु की ओर से हमें मिल रहा है। हम किस जीवन की चाह कर रहे हैं। यीशु मसीह उस बैतसैदा के आदमी को क्या कहता है, उसको बाहर निकाल कर लेकर गया और उसकी आंखों पर चंगा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है और उससे पूछ रहा है क्या कुछ तुझे दिख रहा है। क्योंकि यीशु मसीह जानता था कि वो किस माहौल से आया है। आपका माहौल क्या है, आप जिस घर में रहते हैं वह कितना विश्वास है, आप जिस घर में रहते हैं वहां क्या परमेश्वर का विश्वास मुकम्मल है, आप जिस घर में रहते हैं क्या आपका पति पूरी तरीके से आपका साथ देता है, या आपकी पत्नी, आपका भाई, आपका बेटा, आपकी बेटी, या आधे परमेश्वर को चाहते हैं और दूसरे परमेश्वर को नहीं चाहते हैं। फर्क पड़ता है। आप समझे कि साहब मैं अकेला ही बहुत हूं, गलत। शैतान आपके घर में उन लोगों के द्वारा काम कर रहा है। और माफ करिएगा, आपका विश्वास इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप उसका मुकाबला कर सकें, क्योंकि आप भी संसार में हैं। आप भी संसार में हैं। यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास एलिया की आत्मा थी, कितने जानते हैं? एलिया की आत्मा थी यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास, क्यों थी, किस लिए थी, कभी सोचा आपने? एलिया की आत्मा बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले के अंदर थी जब वो प्रचार कर रहा था। एलिया की आत्मा सामर्थी आत्मा, एलिया ने मौत नहीं देखी, एलिया को परमेश्वर ने यूं ही उठा लिया। एलिया ने राजा आहाब के सामने कहा था कि जब तक मैं नहीं जाऊंगा 3.5 साल तक यहां पर बारिश नहीं होगी, और बारिश नहीं हुई, एक बूंद भी पानी आकाश से नहीं गिरा। वो एलिया की आत्मा थी जो कि यूहन्ना बपतिस्मा वाले के पास थी। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिए, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, मरकुस 1:4-5 पढ़िए। मरकुस 1:4-5। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था। सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए। सारे यहूदिया के लोग, ध्यान दीजिए, हेलो, वचन समझिए, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाला प्रचार कर रहा था तो सारे यहूदिया के लोग, कुछ नहीं लिखा हुआ है, 80% नहीं लिखा हुआ है, आदमी नहीं लिखा हुआ, सब आदमी आए या सिर्फ औरतें आईं,
ये सिर्फ बच्चे आए नहीं, सारे यहूदिया के लोग और सब यरूशलेम में रहने वाले सब, हेलो, जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने प्रचार किया, जब यीशु मसीह के बारे में बोला, तो सारे यहूदिया के लोग और सारे यरूशलेम में रहने वाले और यर्दन नदी पे के पास रहने वाले सब लोग आए और उन्होंने बपतिस्मा लिया। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, क्यों? क्योंकि उसके अंदर एलिया की आत्मा थी। एलिया की आत्मा, आप जानते हैं, एक पवित्र आत्मा का धरती पर होना अंधकार की शक्तियों को खत्म कर देता है। जब एक पवित्र आत्मा, जब एक सामर्थी आत्मा धरती पर चलता है, तो अंधकार की शक्तियां काम नहीं करती हैं। यानी कि जब यूहन्ना बपतिस्मा वाले ने सुसमाचार दिया एलिया की आत्मा के द्वारा, तो जिस जिसने सुना उनके अंदर दुष्टात्माएं उन्हें रोक नहीं पाई, दुष्टात्माएं उनको रोक नहीं पाई और वो सब के सब यर्दन नदी में आ गए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। वो सामर्थ है एक पवित्र आत्मा का, वो सामर्थ है एक सामर्थी आत्मा का। इसलिए एलिया की आत्मा यूहन्ना बपतिस्मा वाले के अंदर थी। आज जब आप सुसमाचार सुनाते हैं, आज आप किसी को बताते हैं, 20% वो अंदर लेता है, 80% जो दुष्ट आत्मा उसके अंदर है वो निकाल देती है। आज जो आप कलीसिया में सुनते हैं, आप बाहर जाते हैं 1 घंटे के बाद पूछिए, आपको याद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके आज अंदर जो दुष्ट आत्माएं हैं, जो अंधकार की शक्तियां हैं, वो उन वचनों को खत्म कर देती हैं, आपके अंदर रहने नहीं देती हैं। वो उनका काम ही यही है कि परमेश्वर के वचन आपके अंदर ना रहें। इसलिए मैं बोलता हूं कि आप लिखिए। आप समझ रहे हैं? एक सामर्थी आत्मा की शक्ति जानते हैं आप? सामर्थी आत्मा जब बोलता है तो अंधकार की शक्तियां सामने से निकल जाती हैं। मेरे और आपके कहने से सारे लोग क्यों नहीं आते? क्योंकि जब हम बोलते हैं तो अंधकार की शक्तियां काम करती हैं। इसलिए याद धरिए, आप जहां रहते हैं वहां की स्थिति क्या है। जहां अपने घर में रहते हैं, जहां आप अपनी फैक्ट्री में काम करते हैं, जहां आप धंधा करते हैं, वहां पर अगर अशांति है, वहां पर अगर अविश्वास है, वहां पर अगर संदेह है, तो परमेश्वर का आशीष जो आपके लिए है, देखिए, आपको नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, परमेश्वर को पता है। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करना चाहता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को पूरा करना चाहता है। अगर आपने कल प्रार्थना की है कि परमेश्वर से मांगा कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो परमेश्वर ने उसको रिलीज किया। परमेश्वर ने, हेलो, मुझसे बात करिए, परमेश्वर ने उसको भेज दिया। यानी कि उन आशीषों को आपके जीवन में काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन अगर आप अंधकार की शक्तियों के बीच में हैं, अगर आप संदेह के दायरे में हैं, अगर आप अविश्वास के दायरे में हैं, अगर आप जहां रहते हैं वहां पर संगति अच्छी नहीं है, तो जो आशीष आपको मिल रही है वो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हेलो, दानियल ने अध्याय 9 में भी प्रार्थना की और 10वें अध्याय में जब उसने प्रार्थना की, आप पढ़िएगा ना, दानियल का 10वां अध्याय पढ़िएगा, 21 दिन तक वो लगातार प्रार्थना करता रहा और 21 दिन के बाद जिब्राइल दूत आया और उसने क्या कहा, दानियल, जिस दिन तूने प्रार्थना करनी शुरू की थी, परमेश्वर ने उसी दिन प्रार्थना सुन ली थी और भेज दिया था दूत, तेरी प्रार्थना का उत्तर लेकर भेज दिया था। लेकिन शैतान ने 20 दिन उसको रोका, तब मिकाएल दूत आया, उससे लड़ाई की और मैं यहां पर तेरा उत्तर लेकर आया हूं।
Amen. परमेश्वर आपकी प्रार्थना ऐसे सुनता है, आप जो मांगते हैं परमेश्वर उसी समय देता है। लेकिन आप अगर गलत संगति में रह रहे हैं, अगर आपका वातावरण में अंधकार है, ध्यान से समझिए, तो वो जो आशीषें परमेश्वर ने भेजी हैं वो आप तक पहुंचने में देर हो सकती है। इसलिए अपने वातावरण को पवित्र रखिए, अपने वातावरण को पवित्र रखिए। इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। अपने पवित्र आत्मा को देखिए, अंधकार की शक्तियों ने इस संसार में कुछ ऐसे रीति रिवाज बनाए हैं जिन रीति रिवाजों की वजह से आप बंध जाते हैं, बंधन में आ जाते हैं। आपको पता है वो लहू बहने वाली औरत मरकुस 5:27-29 के बीच में, जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, 12 साल से उसका लहू बह रहा था, और बाइबल कहती है कि 12 साल से उसने हर वैद्य को दिखाया, हर डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो चंगी नहीं हो पा रही थी। प्रेज द लॉर्ड। वो रीति रिवाज, उन रीति रिवाजों ने उसको रोका हुआ था। आज भी रीति रिवाज हैं कि अगर किसी और औरत को, किसी बहन को लहू बहता है 4 दिन का, तो उसे अशुद्ध समझते हैं, उसे कमरे में जाने नहीं देते, किचन में जाने नहीं देते। आज भी लोग उसे, औरत को अशुद्ध समझते हैं। कई औरतें तो मुझे फोन करती हैं, हम चर्च आ सकते हैं। मैं, क्यों नहीं आ सकते हैं? चर्च में परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके शरीर को नहीं देखता। परमेश्वर नहीं बनाया ना। एक औरत को 4 दिन का लहू होता है, लहू की एक ऐसी अवस्था में आती है वो औरत, ये परमेश्वर नहीं जानता क्या? परमेश्वर नहीं बनाया ना। इसीलिए वो जो औरत है जिसके 4 दिन से, जिसका 12 साल से लहू बह रहा था, प्रेज द लॉर्ड, जब उसने यीशु मसीह के बारे में सुना, वो उस बंधन से निकली, वो उस अविश्वास के दायरे से निकली, वो संदेह के दायरे से निकलकर बाहर आई। आमीन। वो जब तक घर में थी, अपने घर में थी, जब तक संदेह में थी, जब तक अविश्वास में थी, वो 12 साल से लहू बह रहा था, रुक नहीं पा रहा था। जब तक आप संदेह के दायरे से बाहर नहीं आएंगे, जब तक आप अविश्वास के संगति से बाहर नहीं आएंगे, आप आशीष नहीं पाएंगे। आपको बाहर आना पड़ेगा, वो तोड़ना पड़ेगा दायरा। और वो क्या कहती है, 27 पढ़िए, 27। वो यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वो कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या कहती थी? आप क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका भविष्य। आप क्या कहते हैं उस पर डिपेंड करता है आपका आशीष, आपका चमत्कार। आपके कहने पर डिपेंड करता है आप कहते क्या हैं। प्रेज द लॉर्ड। वो कहती है कि मैं अगर यीशु के वस्त्रों को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। प्रेज द लॉर्ड। हेलो, ध्यान दीजिए, वो अपने उस अभिषेक को जो प्रभु से मिलने वाला है उसकी गारंटी खुद लेती है, उसकी गारंटी खुद ले। आप लेते हैं? आप नहीं लेते। आप प्रार्थना करते हैं, आपको पता ही नहीं, प्रभु चाहेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। गारंटी लेते हैं आप? क्यों गारंटी लेते हैं? वो जान गई थी, वो जान गई थी कि यीशु कौन है, वो जान गई थी कि मैं किससे प्रार्थना करने आई हूं। इसलिए वो खुद कहती है कि अगर मैं यीशु के कपड़ों को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आपने कभी गारंटी ली है कि मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना कर रही हूं मैं आशीष पाऊंगी? मैंने यीशु मसीह का नाम धारण किया है, मेरा अच्छा होगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई भी शक्ति यीशु मसीह के सामने कुछ नहीं है। आमीन। आप किस बीमारी से डर रहे हैं? आप अपनी किस मुसीबत से डर रहे हैं?
आप अपने कर्जों से डर रहे हैं, बीमारी से डर रहे हैं, आप दुश्मनों से डर रहे हैं, आपके पास नहीं जानते आपके पास कौन है, आपके पास यीशु मसीह है। आमीन। 12 साल से जिस औरत का लहू हर पल बहता था, क्या उसके अंदर ताकत होगी? आप खुद जानते हैं, आप तो बहने हैं, 4 दिन जब लहू बहता है तो कमजोरी आती है कि नहीं आती है, आप काम करने के लायक नहीं होते हैं। लेकिन उस बहन का 12 साल से लहू बह रहा था, लेकिन उसके पास क्या था? शरीर की शक्ति नहीं थी, उस नाम की शक्ति थी जिसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए वो ऐलान करती है, वो अपनी चंगाई का ऐलान करती है, वो अपनी खुशहाली का ऐलान करती है, वो अपने आप को कर्जों से मुक्त करने का ऐलान करती है। आप भी करिए, आप भी करिए। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगी, मेरे कर्जों से मुक्त होंगी। मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगी, बिल्डर मेरी प्रार्थना सुनेगा, मेरा घर होगा। वो कह रही थी, मैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करूंगी और यीशु के पास जाऊंगी, उसके कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। स्वर्ग और धरती का अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। Praise the Lord। क्यों नहीं आप ऐसा प्रार्थना करते हैं? क्यों नहीं ऐसी प्रार्थना करते हैं आप? क्योंकि आपकी संगति में संदेह है। आपकी जो संगति है ना, वो आपको कमजोर बनाती है। आप जहां रह रहे हैं, आप जहां, इसीलिए प्रभु बोलता है संसार में मत जाओ, क्योंकि संसार तुम्हें संदेह देगा, अविश्वास देगा। शैतान क्या चाहता है पता है? शैतान चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें जो दिखता है, और जब आप उस पर विश्वास करने लगते हैं जो दिखता है, तो आपका विश्वास कमजोर हो जाता है। आपका विश्वास कमजोर हो जाता है उस पर जो नहीं दिखता है। समझे नहीं समझे? दोबारा समझाऊं? शैतान चाहता है कि आप उस पर विश्वास करें जो दिखता है, अपने पैसों पर, अपनी नौकरी पर। शैतान चाहता है, और प्रभु क्या चाहता है? कि आप उस पर विश्वास करें जो नहीं दिखता है। जिस दिन आप उस पर विश्वास करने लगे जो नहीं दिखता है ना, उस दिन जो दिखने वाली चीजें हैं ना, वो आपके पीछे आएंगी। जिस दिन आप उस पर विश्वास करने लगे जो नहीं दिखता है, जिस दिन आपने उसको अपना पिता मान लिया, अपना सर्वस्व मान लिया जो नहीं दिखता है, तो दिखने वाली सारी चीजें आपके घुटनों पे आएंगी। क्योंकि शैतान आपके आसपास संदेह का दायरा, संदेह उत्पन्न करवाता है। संदेह का वातावरण आपके अंदर लेकर आता है। इसलिए वो कहता है यीशु मसीह, देखिए 11:20 निकालिए, 20 और 21, मती 11:20 और 21। तब वह उन नगरों को उलाहना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे। जिसमें उसने बहुत से सामर्थ्य काम किए थे। मती 11:20 और 21। हाँ जी बोलिए। क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ्य के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। बैतसैदा कौन सा देश है, कौन सा क्षेत्र है, जहां पर 5,000 लोगों को यीशु मसीह ने रोटी खिलाई थी। उससे पहले कईयों को, अंधों को आंखें दी, लवणों को टांग दिए, गूंगे बोलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए। कितने चमत्कार किए उसने बैतसैदा में, लेकिन बैतसैदा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया।
बैसदा के लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, उस आशीष की कीमत को नहीं समझा। आप अगर परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, चाहे वो छोटे से छोटा चमत्कार आपके जीवन में उसने किया है, अगर आप छोटे से छोटे चमत्कार की कीमत को समझकर उसको महसूस करेंगे, उसको अपना बना लेंगे, परमेश्वर स्वर्ग का सामर्थ्य आपके लिए खोल देगा। इसलिए वो उस आदमी को, वो जो बैतसैदा में था, उस आदमी को लेकर गया कि आए चल बाहर कि मैं तेरी आंखों के लिए प्रार्थना करूं। क्यों? क्योंकि वो पूरा बैतसैदा जो इलाका है वो अविश्वास का सामर्थ, अंधकार की शक्तियों से घिरा हुआ था। आपको पता है कभी कभी आपका घर नहीं, आप जहां रह रहे हैं वहां भी पूरा अंधकार की शक्तियां हैं। आप सोचिए कि आपको किस तरीके से रहना है। अब आप पूछेंगे कि पास्टर मैं कैसे रहूं? हाँ, उन अंधकार की शक्तियों में आपने अपने आप को सामर्थ्य बनाना है। आत्मा में प्रार्थना करते जाइए, हर पल प्रार्थना में रहिए, गलत चीजों को सुनने के लिए कान मत लगाइए, गलत चीजों को अपने मुंह से बोलने के लिए अपने आप को कंट्रोल करिए। नहीं, जो सच है, जो सत्य है, उसी को निहारिए। अपने आप को इतना सामर्थी बना लीजिए कि आपके आसपास जो अंधकार की शक्तियां हैं वो आप पर रिएक्ट ना कर सकें, आपको प्रभावित ना कर सकें। इतना शक्तिशाली बना लीजिए आप। प्रेज द लॉर्ड। अगर अंतिम समय में आप चाहते हैं, कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु आए और हम रैप्चर में उसके साथ जाएं? हालेलुया। अगर आप चाहते हैं मेरे भाई, तो आपको अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। इफिसियों 3:15-19 के बीच में, इफिसियों 3:15-19 के बीच में, हे पिता परमेश्वर, हम नतमस्तक करते हैं तेरे सामने, क्योंकि स्वर्ग और धरती का सारा अधिकार तेरी ओर है। हालेलुया। क्या लिखा है? इफिसियों 3:15-19 जल्दी पढ़ो। जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता है, हाँ? कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार। 14 से पढ़ लो। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ। ये आपको प्रार्थना करनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अपनी आत्मा का बल चाहिए तो ये प्रार्थना करनी है कि मैं उस पिता परमेश्वर के सामने घुटने टेकता हूँ और नतमस्तक करता हूँ। आगे, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा जाता जिसने, है। जिसके द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी पर हर घराने का नाम रखा जाता है। क्या बाइबल कह रही है? आपके घराने का नाम किसने रखा है? आपके बाप दादाओं ने नहीं रखा है, परमेश्वर ने रखा है। वचन कहता है किसी और ने आपके बाप दादा का आपका नाम नहीं रखा है, आपके पिता के ने नहीं रखा, आपके पिता के पिता ने नहीं रखा है, परमेश्वर ने रखा है आपके घराने का नाम, आपके वंश का नाम। आगे, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, हाँ? तुम्हें ये दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कि वो परमेश्वर, हालेलुया, क्या लिखा है? कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह ध्यान दे। तुम्हें की जगह अपने आप को लगाइए, तुम्हें की जगह मुझे लगाइए, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार मुझे यह दान दे। ये प्रार्थना करिए कि मुझे यह दान दे कि तुम, कि मैं उसकी आत्मा के से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ्य पाकर बलवंत होता जाऊं। उसकी आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा बलवंत हो जाए, इस चीज का ध्यान रखिए। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपकी आत्मा बलवंत होगी तो अंधकार की शक्तियां आपके जीवन में काम नहीं कर पाएंगी। इसलिए पौलुस ने यह नहीं कहा कि मेरा शरीर बलवंत हो जाए, मैं दिखने में खूबसूरत लगने लगूं। तेरी आत्मा के द्वारा मेरी आत्मा बलवंत हो जाए।
जिस दिन आपकी आत्मा बलवंत हो जाएगी ना, उस दिन परमेश्वर की ओर से जो आशीषें आपके लिए हैं वो आपके ऊपर आएंगी, आपके जीवन में काम करने लगेंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उसको रखा है। नीति वचन 14:14 पढ़ेंगे एक जल्दी से। जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है, परंतु भला मनुष्य आप ही आप संतुष्ट होता है। ध्यान दीजिए क्या लिखा है, जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है। बोलिए मेरे साथ, बोलिए जिसका मन परमेश्वर से हट जाता है। वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। यानी कि जैसा वो चाल चलेगा वैसा ही भोगेगा। याद रखिए, आप समझते कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, आपको नहीं पता सारा परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आपका मन परमेश्वर से हट जाता है तो आप अपनी चाल चलन का ही फल भोगेंगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। निर्गमन 23:20 पढ़िए। सुन, मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, ध्यान दीजिए, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। मैं, परमेश्वर क्या कहता है कि मैं एक दूत, एक स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजता हूँ, आगे, जो मार्ग में तेरी रक्षा करेगा। जो मार्ग में, इस जीवन रूपी मार्ग में आपकी रक्षा करेगा। आपको किसकी रक्षा चाहिए? आपको रक्षा चाहिए अपने पैसे की। मेरा पैसा है वो रक्षा करेगा, मेरा मकान है, मेरे पास मेरी बुद्धि है, वो मेरी रक्षा करेगी। नहीं, परमेश्वर का कहता है कि मैं अपना दूत, स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेजता हूं कि वो तेरी रक्षा करेगा। अब आप ये बताइए, आपको किसकी रक्षा चाहिए, अपने पैसे की या स्वर्गदूत की रक्षा चाहिए? क्या चाहिए कि आपको स्वर्गदूत रक्षा करे या आपका पैसा आपके रक्षा करे? पैसा। आमीन। परमेश्वर खुद कह रहा है, कितने बहुत ही, आमीन, जो लोग नहीं समझते वो कितने ही गलत हैं। हालेलुया। मैं एक दूत तेरे आगे आगे भेजता हूं जो मार्ग में तेरी रक्षा करे और जिस स्थान को मैंने तैयार किया उसमें तुझे पहुंचाएगा। ये तेरी मंजिल है। आपकी मंजिल आपको क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप अपनी बुद्धि से अपने मार्ग को चाहते हैं, अपनी मुर्गी, अपनी बुद्धि से आप चाहते हैं मैं अपने मार्ग में जाऊं, अपने मंजिल में जाऊं। वो कहता है कि मैं एक स्वर्गदूत तेरे आगे भेजता हूं, वो तुझे रास्ता बताएगा। क्या आपको सही रास्ता पता है? हेलो, आपने देखा होगा कि कई लोग, आप यहां जितने बैठे हुए हैं सब लोग योजना बनाते हैं अपने जीवन के लिए कि मैं ये करूंगा तो ये होगा, ये करूंगा तो ये होगा, और आपकी योजनाएं, हमारी योजना सफल नहीं होती हैं, तभी हम लोग दुख में आते हैं, ठीक है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी हर योजना सफल हो जाती है और वो आप सबसे आगे निकल जाते हैं। क्या उनमें ज़्यादा बुद्धि है? क्या उनमें ज़्यादा शक्ति है? नहीं, उनकी योजनाएँ सफल हो गई। बस मुकेश अंबानी की योजना सफल हो गई और क्या है? प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है कि आपके जीवन में सुख आएगा। मैं एक स्वर्गदूत तेरे आगे आगे भेज रहा हूं जो तेरी मार्ग में रक्षा करेगा और तुझे उस रास्ते पर, उस स्थान में पहुंचाएगा जहां तुझे जाना चाहिए। इस वचन को समझिए। सबसे पहले तो आप लोग यहां पर जानते नहीं कि आपको जाना कहां है। जो दिखता है, इसका बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है, मेरा बच्चा भी इंजीनियर बने, इसका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, मेरा भी बच्चा डॉक्टर बने। अरे, आपके बच्चे की नियति अलग है। आपको कहां जाना है, आपको कैसे रहना है, आपको कहां पहुंचना है, आप नहीं जानते, वो जानता है। लेकिन जिस दिन आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे,
उस दिन आप उस स्वर्गदूत को पाएंगे। जब आप अपनी बुद्धि से काम लेंगे ना, तो स्वर्गदूत तो अपने रास्ते पे जा रहा है। स्वर्गदूत कहां जा रहा है? उस रास्ते पर जिस पे आपको जाना चाहिए। परमेश्वर ने हेलो स्वर्गदूत भेजा आपको रास्ता दिखाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। और इधर अब मैं इसके पीछे भेजा, अब ये जा रहा है यहां से, बस यार यहीं रुक जा, यहीं रुक जा, ठीक है ना। अब मैंने देखा, अरे वाह ये तो अच्छा बिजनेस है यार, अरे वाह ये तो पैसा भी जल्दी मिलता है और कुछ दूसरा लगाना नहीं पड़ता, और मैं इधर चला गया। अब यहां पर कहां स्वर्गदूत कहां पर है? वो उस रास्ते पर चल रहा है जिसको परमेश्वर ने दिया है कि तुझे वहां लेके जाना है उसको। अब मैं इस रास्ते पर जा रहा हूं, स्वर्गदूत अपना रास्ता पकड़ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। और हम कुछ रास्ते पर जाकर डगमगा जाते हैं, गिर जाते हैं, और फिर परमेश्वर पर दोष देते हैं। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर आपको दिखता नहीं है क्या? परमेश्वर मैं मसीह हूं और मैं गड्ढे में जा रहा हूं, आप मुझे उठा क्यों नहीं रहे? अरे परमेश्वर कहता तू मेरे दूत के संग क्यों नहीं चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड। हम उसके अनुसार चल ही नहीं रहे, हम अपने रास्ते पर परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं। परमेश्वर ने दूत भेजा है इज़राइलीज़, इसीलिए जो रास्ता 11 दिन में कंप्लीट होना था 40 साल तक वहीं घूमते रहे। क्यों? क्योंकि वो स्वर्गदूत के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, वो परमेश्वर के बताए रास्ते पे नहीं चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अंदर अविश्वास है, संदेह है। आपका अविश्वास, आपका संदेह, अगर आपके परिवार में संदेह है आप मुश्किल में है, अगर आप मजबूत नहीं है तो शैतान आपके परिवार की वजह से आपको पीछे कर लेगा। रिश्तेदारों का मोह, मोह माया, यही तो मोह है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। इसलिए अगर आपको आशीष चाहिए परमेश्वर के अनुसार चलना है, अपनी संगति को बजाइए, अपनी संगति को घर में पवित्र संगति रखिए, कोई नेगेटिव बात मत रखिए। अगर आपकी पत्नी प्रभु को नहीं जानती उसको बताइए, आपका आपकी ड्यूटी है परमेश्वर को समय दीजिए, वचन पर बैठिए ताकि आपका पूरा परिवार प्रभु में आ जाए। जिस दिन मैं आपको बता रहा हूँ आप लिख लीजिए, जिस दिन आपका पूरा परिवार प्रभु में होगा, जिस दिन आप पूरी ईमानदारी के संग अपने परिवार के संग प्रार्थना करेंगे, आपका अभिषेक, आपका सामर्थ्य दुनिया देखेगी कि आपके राज्य, आपके घर में परमेश्वर का सामर्थ्य है। चाहे आप कहीं भी हो परमेश्वर आपको उठा लेगा। मत सोचिए कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, मेरा बच्चा प्रभु में है कि नहीं है, मैं प्रभु के अनुसार चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं, पहले आधार ये देखिए आप। अगर आपके बच्चे का करेक्टर सही है तो वो एक न एक दिन विजयी होगा। अगर आपके बच्चे के पास एजुकेशन है और करेक्टर नहीं है, आपका बच्चा कामयाब, कुछ देर के लिए कामयाब हो सकता है। चरित्र होना बहुत जरूरी है, आपके बच्चे का, आपकी बच्ची का चरित्र होना जरूरी है, और वो चरित्र किसमें? प्रभु में होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज का वचन हमने ग्रहण किया। प्रेज द लॉर्ड। अपनी संगति को बदलिए, घर में अपनी संगति को पवित्र रखिए प्रभु यीशु मसीह में। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, घर में प्रभु की बातें हों, पॉजिटिव बातें हों, कोई नेगेटिव बातें नहीं, वो आप पर और आपके बच्चों पर असर करेगा। प्रेज द लॉर्ड। बोले यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया हालेलुया।